नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेगा बजट फिल्म, जी हां दोस्तों, हमारे भारत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म साहो के पूरी स्टार कास्ट की फीस के बारे में कि इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए कितने करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट ने। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेहतरीन दमदार शानदार और जानदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें नंबर 10 की तो दोस्तों हमारे नंबर 10 पे है नरेंद्र झा। इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है 20 लाख रुपए। वहीं पर दोस्तों हमारे 9वें नंबर पे है हमारे भारत के सीआईडी साहब, जी हां दोस्तों, आदित्य श्रीवास्तव, जिस जो कि आपको इससे पहले सीआईडी सीरियल के अंदर कई बार देखने के लिए मिल चुके होंगे। और दोस्तों इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए इन्होंने चार्ज करा है 35 लाख रुपए। वहीं पर दोस्तों हम बढ़े हमारे 8वें नंबर पे, तो दोस्तों हमारे 8वें नंबर पे है एक कॉमेडियन स्टार जो कि इस फिल्म के अंदर काफी डेंजर लुक में नजर आ रहे हैं और दोस्तों ये एक विलन का किरदार निभा रहे हैं साइज से। वहीं पर दोस्तों इन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है 50 लाख रुपए और इनका नाम है चंकी पांडे। वहीं पर दोस्तों हम बढ़े हमारे 7वें नंबर पे, तो दोस्तों हमारे 7वें नंबर पे है महेश मांजेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी तो बात ही निराली है और इन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है 1 करोड़ 70 लाख रुपए। वहीं पर दोस्तों हमारे 6ठे नंबर पे है जैकी श्रॉफ, और दोस्तों ये एक टाइम पे हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके हैं और दोस्तों अब इनकी काफी उम्र भी हो चुकी है, पर इस फिल्म के अंदर इन्होंने विलन का रोल निभाया है और चार्ज करे हैं 2 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों हम बढ़े हमारे 5वें नंबर पे, और हमारे 5वें नंबर पे है अरुण विजय। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भी इस फिल्म के अंदर एक विलन का रोल ही निभाया है और दोस्तों ये काफी माइंडेड इंसान होते हैं। वहीं पर दोस्तों इनकी फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 3 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों हम बढ़े हमारे 4थे नंबर पे, तो दोस्तों हमारे 4थे नंबर पे है मंदिरा बेदी। दोस्तों इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 4 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों हम बढ़े हमारे 3रे नंबर पे, तो दोस्तों हमारे 3रे नंबर पे है नितिन मुकेश। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काफी शानदार एक्टर है और इन्होंने सलमान खान सर जी के साथ में भी प्रेम रतन धन पायो फिल्म के अंदर काम करा है और भी कई सारी फिल्मों में इन्होंने अपना अभिनय दिया है। वहीं पर दोस्तों इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 7 करोड़ रुपए। वहीं पर दोस्तों हमारे 2रे नंबर पे है श्रद्धा कपूर, और दोस्तों श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 9 करोड़ रुपए। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो दोस्तों हमारे नंबर 1 पे है प्रभास सर, जिनके पहले की फीस थी 25 करोड़ रुपए जो कि इन्होंने चार्ज करा था बाहुबली 2 में। वहीं पर दोस्तों अब इनकी फीस बढ़ के हो चुकी है 30 करोड़ रुपए। और दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रभास सर की फीस कम है या फिर ज्यादा, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ में बेहतरीन दमदार और दोस्तों साहू फिल्म की सभी लेटेस्ट अपडेट बॉक्स ऑफिस के पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए मैं अलविदा चाहूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो के लिए। दोस्तों ध्यान रखें अपने और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।